गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई होप यू यू आर डूइंग वेल एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट टू क्लास नाइन नज कंस्ट्रक्टर ए बी सी इन विच बी सी इज सेवन सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज सेवेंटी फाइव डिग्री एंड ए बी प्लस एज इज थर्टीन सेंटीमीटर ओके यहाँ पे क्या दिया है एडिशन ए बी प्लस ए सी थर्टीन सेंटीमीटर तो कैसे बनाएंगे ट्रैंगल को देख लेते हैं सबसे पहले हमें क्या लेना है भाई क्वेश्चन में बोला गया कि बीसी आपको क्या लेना है सात सेंटीमीटर लेना है सो so, यहां पे हम बी सी लेंगे सेंटीमीटर ठीक है हमने बी सी लिया है यहां पे सेवन सेंटीमीटर बी सी सेवन सेंटीमीटर अब क्या करना है क्वेश्चन में कहा है कि एंगल जो बी है उस पर आपको सेवेंटी फाइव डिग्री का बनाना है एंगल तो आपको क्या करना है अपनी कंपास को एक बार में जितना मर्जी चाहे ओपन कीजिए आप उसके बाद आपको चेंज नहीं करना है सो यहाँ पे अब आपको पता है सेवनटी फाइव डिग्री का एंगल आपको बनाना है तो आपको नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाना ही पड़ेगा सो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे एंगल बनाएंगे नाइन्टी डिग्री का ओके यहाँ से मैं एक आर्क लगा रही हूँ फर्स्ट आर्क मेरी सिक्सटी की रहेगी सेकेंड आर्क मेरी किसकी रहेगी वन ट्वेंटी की, की, की यहाँ से सिक्सटी से एंड वन ट्वेंटी से के आर्क से हम इंटरसेक्ट करते हुए एक अनदर आर्क लगाएंगे एंड बी सी से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा नाइंटी डिग्री का एंगल आएगा ठीक है इसको मैं डोटेड रखूंगी क्योंकि ये मेन नहीं है अब देखिए ये हो गया आपका नाइन्टी और ये हो गया आपका सिक्सटी ये नाइन्टी डिग्री हो गया है ये आपका सिक्सटी है तो नाइन्टी और सिक्सटी के बीच में कितने का एंगल आएगा आपका डेफिनेटली सी बात है क्योंकि यहाँ से जो यहाँ तक का डिफरेंस है वो कितना है बच्चे आपका थर्टी का आपको सिक्सटी प्लस मीन्स आपके पास आया थर्टी थर्टी यहाँ से लेके जो ये डिफरेंस है कितना है थर्टी थर्टी अपॉइंट टू मीन्स दैट इज़ फिफ्टीन डिग्री सिक्सटी प्लस सिक्सटी प्लस फिफ्टीन कितना हो जाएगा सेवनटी फाइव दैट मीन्स यहाँ जब आप हाफ़ करते हो किसका सिक्सटी एंड नाइन्टी का यहाँ से एक आर्क लगाओगे ठीक है एंड नाइन्टी से फर्स्ट आर्क को कट करते हुए आप एक और आर्क लगाओगे देन आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास क्या आएगा सेवेंटी फाइव डिग्री का एंगल आएगा अब आपको यहाँ पे क्या करना है भाई यहाँ पे एक रे लेनी है इस तरह के से हम इसको करेंगे सो so, हमारे पास ये क्या आ जाएगा है? ये थर्टी सेंटीमीटर के एक आर्क लगाएंगे आपकी यहाँ तक जा रही है ये रे अब क्या करना है आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक आर्क लगानी है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आपको कि आपको थर्टीन सेंटीमीटर ए बी प्लस ए सी कितना दिया है थर्टी सेंटीमीटर्स जब आप यहाँ पे क्या करोगे अपने कंपास को ओपन करोगे अगर कंपास पे हो रहा है तो ठीक है नहीं तो फिर आप कम ए, स्केल की हेल्प से भी लगा सकते हो ठीक है फिर हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे सो ये मेरा पॉइंट कोई डी आ गया है देन हम क्या करेंगे डीसी को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे हमने डीसी को ज्वाइन किया अब आपको क्या करना है डी का परपेंडिकुलर करना है ठीक है यहाँ से परपेंडिकुलर लगाएंगे डी का और आपको पता है जब भी हम बाई करते हैं तो आपकी जो भी साइड है इसका क्या होना चाहिए हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन होना चाहिए ठीक है सो so, एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे एक आर्क का हम यहाँ पे लगाएंगे सॉरी ये फर्स्ट वन आर्क आपकी रोंग लगी है इस वे में एक आपको आर्क लगानी है ठीक है देन सेम आपको डी पॉइंट से करना है इस वे में ये नहीं है आपकी देन आपको क्या करना है जैसे आपने डी को यहाँ से लगाया है सेम उसी वे में आपको जो आपकी फर्स्ट वन आर्क आई है उसको कैंसिल करना है अब देखो ये थोड़ा सा पीछे रह गई है सो तो यहाँ से आपको फिर से इस आर्क को कट करते हुए आर्क लगानी है ठीक है ये आर्क बिल्कुल कैंसिल आउट होनी चाहिए आपकी फर्स्ट वन आर्क से इस वे में सो so, क्या हो जाएगा जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को तो आपके पास क्या आएगा भाई मिला दीजिए जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन की जो ये पॉइंट आपके पास आएगा ना यहाँ से ये आपका पॉइंट रहेगा ए ए एंड सी को क्या कर दोगे ज्वाइन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भैया आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ जाएगी तो इस वे में आपकी फिगर बनेगी ठीक है तो इस तरह से आपकी फिगर बनेगी कंपास को और स्केल को बिल्कुल ध्यान से आपको रखना है क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होता है ना तो फिर आपकी फिगर रोंग हो जाएगी ठीक है सो so, ये आपका प्रोसेस रहेगा इस वे में आपको अपनी फिगर बनानी है यह आपकी फर्स्ट टाइप है जहाँ पे आपको एडिशन दिया होगा जब भी आपको एडिशन मिलेगा तो आपकी ट्रेंगल बनेगी छोटी और जब भी आपको डिफरेंस दिया होगा तो आपकी ट्रेंगल बनेगी बड़ी ठीक है जो टाइप टू है उसमें हम देखेंगे कि हमारी ट्रायंगल डिफरेंस देने से किस तरह की बनती है किस तरह की फॉर्म हमारे पास फिगर आती है ठीक है